subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कब्ज को दूर करके पेट को हल्का करना है तो कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। कब्ज यानी कि पेट का साफ न होना या कह लें कि शौच ठीक तरह से न हो पाना, ज़्यादातर लोगों को कभी न कभी कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ता ही है। जी हाँ, कब्ज जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, ये होने पर कई दिनों तक लगातार पेट साफ नहीं होता है। इस वजह से पूरा दिन बहुत असहज और भारीपन भरा महसूस होता है। बिना कुछ खाए या भूख लगने पर भी ऐसा महसूस होता है मानो आपका पेट भरा हुआ है। ये समस्या बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है, जैसे कि बवासीर जैसी समस्या, हार्ट अटैक जैसी समस्या, बहुत सारे समस्याओं का कारण बन जाती है। यदि आप कब्ज की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है और इससे निजात पाने के अब उपायों के बारे में जान लेते हैं। कब्ज होने के कारण में गलत खान पान, ठीक समय पर शौच न जाना, व्यायाम न करना और शारीरिक काम न होना शामिल है। तो सबसे पहले तो इनको ठीक करें। सुबह 5 बजे से पहले जगें और पानी पी करके शौच जाएं। कब्ज की समस्या वहीं पर आपकी खत्म हो जाएगी। देर रात तक जगना बंद कर दें। इसके अलावा इस समस्या से निजात पाने के लिए आप चोकर समेत आटे की रोटी खाएं और मीठा दूध पिएं। शक्कर गुड़ प्रायः पेट साफ रखते हैं, इसीलिए खाने के बाद इसका सेवन थोड़ा सा कर लें। सब्जियों में पत्ती समेत मूली, काली तोरई, घिया, बैंगन, गाजर, परवल, पपीता, टमाटर, इन सभी का सेवन जरूर करें। दालों का सेवन छिलके सहित करें। अगर दवा की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा खाने का सोडा पानी में घोल करके पी लीजिए तो पेट हल्का रहेगा और शौच भी खुल करके आ जाएगा। लेकिन ये तभी करना है जब बहुत ज़्यादा समस्या हुई है, अन्यथा आप खाने से ही कंट्रोल करें। इमली में गुड़ डाल करके मीठी चटनी बनाएं और इसका सेवन करें, इससे पेट साफ रहेगा आपका। भोजन के साथ सलाद में नमक डालें, टमाटर जरूर लें, नमक भी पेट साफ रखता है। कभी कभी थोड़ा सा पंचसकार चूर्ण भी ले सकते हैं आप। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, टमाटर जब आप काट रहे हैं तो ध्यान रखना होगा कि आपको स्टोन की समस्या ना हो, पथरी की समस्या ना हो, अन्यथा आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी। भोजन के बाद सौंफ और मिश्री चबाने से भी पेट ठीक रहता है। अधिक कब्ज होने पर त्रिफला, अभयारिष्ट बहुत अच्छे विकल्प हैं, इनसे पेट हल्का हो जाता है। रात को सोने से पहले गुनगुना दूध पी करके सो जाइए, ये भी आपके लिए बेस्ट है। या फिर रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में आप इस सब गोल की भूसी मिला लीजिए, आपका पेट सुबह साफ होगा। अमरूद, पका हुआ केला, बेर, परवल, बैंगन, पपीता, अंगूर, अंजीर, आलू बुखारा, मुनक्का, आड़ू, उन्नाव, ये सभी ऐसे फल और सब्जियाँ हैं जो कब्जियत को दूर करती हैं, तो इनका सेवन जरूर करें। खास करके आप अमरूद का सेवन कर लेते हैं तो ये कब्जियत को तोड़ने में बहुत ही अच्छी औषधि है। तो इन उपायों को अपना करके आप कब्ज को हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप सभी चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई वीडियो जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अब आप सभी से एक नई वीडियो में। वीडियो के अंत तक आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं इस बात की बेहद खुशी है हमें। दिल से धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।